जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। एक ऐसी पोटली आज आपको बनाना है। इस पोटली को बनाने के बाद आपके घर में कभी भी जो अन्न है और धन है उसकी कमी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज है मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत और दिन है आज गुरुवार और तारीख है आज 8 दिसंबर। और आज के दिन ही आपको ये जो पोटली है ये बनानी है। आप देखेंगे कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आप ये पोटली बनाकर अपनी रसोई घर में जैसे ही रख देंगी, उसी टाइम से ही आपके घर में बरकत जो है वो होना शुरू हो जाएगी। किस तरीके से आपको पोटली बनाना है और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि आपने अगर माँ अन्नपूर्णा की पूजा जो है वो नहीं की है तो आज आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा जो है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर एक प्राणी को, हर एक व्यक्ति को, मनुष्य योनि में जो भी आया है उन सबको माँ अन्नपूर्णा की पूजा जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की पूजा से ही हमारे घर में अन्न धन की बरकत होती है और हमारे घर में खाने वाली जो भी सामग्री है, जो भी अन्न है, उसकी कभी भी कमी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो अगर नहीं करी है पूजा तो आप ज़रूर कीजिए। किस तरीके से करना है के लिए मैं पहले से ही वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जरूर सर्च कीजिए, देखिए, और मैंने एकदम सरल पूजा विधि जो है वो बताई है, तो जरूर कीजिए। आज अगर आप पूजा करते हैं, माँ आपके घर में धन और अन्न के भंडार जो है वो भर देती हैं। तो ये तो रही पूजा की बात। अब मैं बता देती हूँ आपको कि आपको कौन सी पोटली बनानी है और इस पोटली को कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है और बची सामग्री को क्या करना है, सारा कुछ चलिए आज बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जो चावल हैं वो लेने हैं। देखिए, माँ अन्नपूर्णा की जो पूजा होती है उसमें चावल का विशेष महत्व होता है, तो चावल लेना है और चावल पूजा में भी रखना है और उन चावलों का खीर भी बनाना है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। आज मैं एक पोटली जो है वो बना रही हूँ। ये पोटली आपको किचन में रखना है खास करके, और पूरे एक साल तक ये जो पोटली है वो आपके किचन में रहेगी। जब अगले साल की, मतलब 2023 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा आएगी, उस दिन आपको दोबारा से पोटली जो है वो बनाना पड़ेगा। पूरे एक साल तक अभी ये पोटली जो है वो अपनी किचन में, अपने रसोई घर में जो है वो आपको रखनी है। और किस तरीके से रखनी है, तो देखिए, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस तरह का कोई भी कपड़ा हो, नया आपके पास कोई भी लाल या पीला जिस भी तरह का कपड़ा हो वो आप कपड़ा ले लीजिए। और इस कपड़े में आपको क्या करना है, इस कपड़े में आपको, ये देखिए, एक कटोरी मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। आप दो मुट्ठी चावल अपने हाथ से नाप लीजिए और दो मुट्ठी चावल जो है वो आप रख लीजिए इसी कपड़े में। इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरीके से ये चावल जो है वो मैंने ले लिए हैं। तो इस कपड़े के अंदर आपको ये जो चावल है ये डाल देना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने सामने ही माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर जो है वो रखी हुई है, तो उनके सामने ही मैं ये जो पोटली है वो बना रही हूँ। अगर आपके पास ये माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो जो है वो नहीं है, तो भोलेनाथ की और माँ पार्वती की कोई भी फ़ोटो अगर आपके पास है तो वो फ़ोटो आप ज़रूर सामने रखिए, और आपकी जो भी अरदास है, जो भी मनोकामना है, वो माँ से समय ज़रूर बोलिए जब आप पोटली बनाएँ तब, कि माँ आप हमारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना करें, हमारे घर में हमेशा बरकत रहे, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी जो है वो देखने को ना मिले। इस तरीके से जो भी आप अपनी मुराद जो है वो बोलना चाहते हैं वो आपको बोलना है। उसके बाद इस तरीके से चावल जो है वो इसी में, ये लाल कपड़े में डाल देना है। चावलों को डालने के बाद में आपको, देखिए, ये हल्दी की एक गांठ लेनी है, और ये खड़ी वाली हल्दी लेनी है। आपको पिसी वाली हल्दी जो है वो ना लें, खड़ी वाली ही हल्दी आपको लेनी है। तो इस तरीके से हल्दी जो है वो लेनी है और हल्दी को इसी में इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद आपको 1 या 2 रुपए का जो भी इस तरीके का सिक्का मिल जाए, इस तरीके का सिक्का लेना है और वो भी इसी सिक्का जो है वो इसी में डाल देना है। डालने के बाद आपको इस तरीके का जो रक्षा सूत्र आता है, जो कलावा आता है, वो लेना है, और इस पोटली को इस तरीके से आप जो कपड़ा है वो करेंगे और इसको पोटली जो है वो आपको बना देना है। तो इसी जो रक्षा सूत्र, जो कलावा है, इसी से आपको इस तरीके से जो है वो बांध देना है। इस तरीके से जो आपकी पोटली है वो
तैयार हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से पोटली जो है वो आपको बना लेनी है और इस पोटली को आपको अपने रसोई घर में रख देना है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे केवल आपको पता हो, बार बार इस पे हाथ लगाने की ज़रूरत ना हो। मतलब कहीं ऐसी ताड़ में रख दीजिए, कोई ऊपर का ऐसा एरिया जहाँ पर आपके हाथ जो है वो रोज़ रोज़ ना पहुँचे। जब अगली साल आप दोबारा से पोटली बनाएं तभी आप इसको निकालें। इस तरीके से आपको अपने रसोई घर में रख देना है माँ अन्नपूर्णा का नाम लेके। तो ये पोटली जब आप रख देंगे, ठीक है। अब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी ये पोटली तो है, चलो अभी हम बना के रख देंगे, अगले साल जब हम नई पोटली बनाएंगे तो इस पोटली का फिर हमें क्या करना होगा। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आते रहते हैं, तो मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ। जो चावल हैं, जो मैंने पोटली में चावल बांधे हुए हैं, वो चावल आपको चिड़ियों को डाल देने हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हल्दी की गांठ और पैसा जो बंधा है, जो सिक्का बंधा हुआ है, वो आप चाहें तो दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। मतलब जब दोबारा पोटली बनाएंगे, चाहें तो आप वो सिक्का और हल्दी की गांठ जो है वो अगली साल वाली पोटली में डाल सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर की तिजोरी में या जहां भी आपका पैसा या जो भी सामान जो है वो रहता है, मैं पैसे रहते हैं या कीमती सामान रहता है, वहाँ पर आपको ये जो रुपये हैं और जो हल्दी का गांठ है वो वहाँ पर रख देनी है। और माँ अन्नपूर्णा आपके घर में हमेशा बरकत रखें, धन और अन्न की जीवन में कभी भी आपको कमी जो है वो देखने को ना मिले। इस तरीके से माँ से प्रार्थना कीजिए और ये जो पोटली है ये आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो ज़रूर रखिए अपने घर में ये जो पोटली है। अगर आप भी अपने घर में अन्न और धन की कमी जो है वो नहीं देखना चाहते हैं, माँ अन्नपूर्णा को अपनी रसोई घर में हमेशा बसाना चाहते हैं, तरीके से मैं बताऊं कि माँ हमेशा आपकी रसोई घर में रहें, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये जो पोटली है ये ज़रूर बनानी चाहिए। तो ज़रूर बनाइए इस पोटली को, रखिए अपने रसोई घर में और अपनी सारी मनोकामनाएँ जो हैं वो पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।